हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द ब्राह्मणास, द आर्यनकास एंड स्मृतिज। तो देखिए, हम वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने वेदास को कंप्लीट किया है। कितने वेद हैं हमारे? चार हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। ये चार वेद हैं। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कौन सा वेद किससे रिलेटेड है। अब हम जानेंगे ब्राह्मणास के बारे में कि ब्राह्मण्स क्या होते हैं। अब ये पंडित वाला ब्राह्मणास नहीं है, ठीक है, ये कुछ अलग चीज़ है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें, बिकॉज बिलीव मी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन, राइट। सो ब्राह्मणास की बात कर रही हैं। इट एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ द वेदास इन एन ऑर्थोडॉक्स मैनर। वेदों में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपको ब्राह्मणास में मिलेगी, एक ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराने तरीके से, ठीक है। ईच वेदा सेवरल ब्राह्मणास, हर एक वेद के बहुत सारे ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो इसके दो ब्राह्मणास हैं। कौन कौन से हैं? कौशिकी एंड ऐत्रेय। सामवेद की बात करें तो इसके भी दो ब्राह्मणास हैं। कौन कौन से हैं? पंचविश एंड जमिनेया। अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस में देखना, अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपत और यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्रीय एंड शतपथा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल सात ब्राह्मणास हैं, ठीक है। सबके दो दो हैं, सिर्फ अथर्ववेद है जिसका एक है जो कि है गोपत। अब जो शतपथा है इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा माना जाता है। क्यों? बिकॉज इट रिकमेंड्स 100 सेक्रेट पाथ्स। 100 सेक्रेट होता है पवित्र तरीके बताता है ये, टू गेट द नॉलेज, टू एक्वायर द नॉलेज, ये सब इन चीज़ों के लिए, ठीक है। सो ब्राह्मणास में यही था, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और आर्यनकास के बारे में पढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। प्लस इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी प्राइसिंग डिटेल्स हैं वो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी। जो भी आपके इशूज़ हैं, क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है, राइट। फाइन, हम पढ़ रहे थे आर्यनकास के बारे में कि आर्यनकास क्या होते हैं। कॉल्ड फॉरेस्ट बुक्स, जंगल की किताबें भी इन्हें कहते हैं, फॉरेस्ट बुक्स इन्हें कहते हैं। क्यों? बिकॉज दीज वर रिटन मेनली बाय द हर्मिट्स। हर्मिट होते हैं जो ऋषि वगैरह होते हैं, इधर उधर घूमते हैं जंगलों में, उनके उनके द्वारा लिखी गई थी। लिविंग इन द जंगल्स फॉर देयर पीपल्स, मतलब एक तरह से गुरुओं ने अपने शिष्यों के लिए लिखी थी ये बुक्स, जिन्हें फॉरेस्ट बुक्स कहते हैं। जंगलों में ही लिखी गई थी क्योंकि वो गुरु जो उस टाइम जंगलों में ही रहते थे, ठीक है, इन्हीं फॉरेस्ट बुक्स को कहते हैं द आर्यनकास। कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणास, जो ब्राह्मण है। अब देखिए, वेद हमने चार वेद पढ़े, हर वेद के साथ ब्राह्मणा रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। अब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणास हैं, इनका कंक्लूडिंग पोर्शन, लास्ट में जो कंक्लूजन है उसे आर्यनकास कहते हैं, ठीक है। अपोज्ड टू सेक्रीफाइस एंड एम्फेसाइज मेडिटेशन, जो बलि देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, उसके बिल्कुल विरोध में है आर्यनकास, और ये फोकस करते हैं मेडिटेशन पे। हमें कहते हैं ना मेडिटेशन करना चाहिए, है ना, तो ध्यान लगाना चाहिए, उस पे फोकस करते हैं ये। इट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन वे ऑफ वर्क एंड वे ऑफ नॉलेज, यानी जो हमारा कर्म मार्ग है और जो हमारा ज्ञान मार्ग है उसके बीच का एक पुल, एक रास्ता बनाता है आर्यनकास, ठीक है। सो कर्म मार्ग क्या होता है? सोल कंसर्न ऑफ उपनिषद, जो उपनिषद हैं उनका सोल कंसर्न है कर्म, कि कर्म अच्छे करो। और ज्ञान मार्ग क्या है? ब्राह्मणास एडवोकेटेड, ब्राह्मणास जो हमने अभी पढ़े वो एडवोकेट करते हैं कि अपनी नॉलेज इम्प्रूव करो, ठीक है। दीज हैव मैजिकल पावर, इनमें क्या होती है? मैजिकल पावर्स होती है, किसमें? आर्यनकास में। दे प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द ऋषिज लिविंग इन जंगल, इनके थ्रू हमें उन ऋषियों की भी डिटेल्स मिलती हैं जो उस टाइम जंगलों में रहा करते थे, ठीक है। तो हमने ब्राह्मणास पढ़ लिया, आर्यनकास पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्मृतिज। बट आगे चलने से पहले एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, अब अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते थे कि मैम आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए ताकि हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें, जो भी इश्यूज हैं आपसे पूछ सकें। तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है। अब जो भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पर डायरेक्टली, बट सिर्फ गाइडेंस या किसी हेल्प काउंसलिंग के लिए। ऐसा नहीं कि वैसे ही मैसेज, क्योंकि मैं देखती हूँ ना हैंड रिटन नोट्स के लिए भी वैसे ही मैसेज आते हैं कि मैम नोट्स कितने के हैं, ठीक है हमें नहीं चाहिए, हम खुद बना लेंगे, ऐसा वैसा, फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसे आपका तो पता नहीं, बट मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने को है, अपने कॉलेज जाने को होता है, बहुत कुछ होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे ही रहे बात, तो अच्छा है ना। तो
लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फाइन, थर्ड हमारा आता है स्मृति, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। बस ये पढ़ेंगे एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। सो स्मृतिज क्या बताती हैं? इट एक्सप्लेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द वैदिक लाइफ, जो हमारे वैदिक जीवन है उसमें किस तरह के रूल्स होने चाहिए, किस तरह के रेगुलेशंस होने चाहिए, किस तरह के क्रियाकलाप होने चाहिए, वो सब हमें बताता है स्मृतिज। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड धर्मशास्त्र, इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। लॉ बुक्स रिटन इन श्लोक फॉर्म, धर्मशास्त्र यानी स्मृतिज को धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र क्या होती हैं? ये कानून की किताबें होती हैं जो श्लोकों की फॉर्म में लिखी गई हैं। ठीक है, अदर नेम फॉर द स्मृति, स्मृतियों को ही दूसरा नाम दिया गया है धर्मशास्त्र का। ठीक है, मेन आर मतलब मेन स्मृतिज कौन सी हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, प्राशर स्मृति है, लेकिन इसमें से भी हम मनु स्मृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मनु स्मृति को जो है मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस, सबसे पुराना है, सबसे ज़्यादा फेमस है। मनु सपोज टू बी द फर्स्ट किंग एंड लॉ मेकर, मनु स्मृति के हिसाब से जो मनु है वो पहले राजा हुए, पहले कानून बनाने वाले हुए, तो उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो स्मृतिज में इतना ही था। देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स है, बट क्वेश्चन आ गया तो फिर फंस जाते हैं, हमारा एक नंबर चला जाता है इन छोटे छोटे टॉपिक्स की वजह से, है ना। सो हमारा आज का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी इस चैनल का या इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट मेरे हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी फ़ायदा हो। ठीक है, वैदिक लिटरेचर हम पढ़ रहे थे, द वेदास, ब्राह्मणास, अर्यंकास, स्मृतिज हमने पढ़ लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उपनिषद पढ़ेंगे, उपवेदास क्या होते हैं, एपिक्स क्या होते हैं, वेदांग्स क्या होते हैं, दर्शन क्या होते हैं। तो यहाँ से ना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इतने इतने टॉपिक्स हैं, बट इनमें से क्वेश्चन बन जाता है, फिर हम फंस जाते हैं, है ना। तो मेरी कोशिश है कि मैं सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवाऊँ, हर एक एस्पेक्ट, हर एक टॉपिक आपके साथ शेयर हो, है ना। सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून।